आज के लेक्चर में हम लोग डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी को डिफाइन करना, डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल को रिकॉग्नाइज करना और डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी बनाने के प्रोडक्शन को समझना और डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी के एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना। तो डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी की बात करें तो डोलोमाइट जो है वो नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल्स होता है और डोलोमाइट में डबल कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम का होता है। डोलोमाइट जो होता है वो कार्बोनेट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इसका केमिकल फॉर्मूला का बात करें तो CaMgCO3 होल ट्वाइस होता है, या इसी को किसी किसी बुक्स में CaCO3.MgCO3 लिखा हुआ रहता है। और इसका यूज जो है हम लोग काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में रिफ्रैक्टरी प्रोडक्शन के लिए जिस डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है वो काफ़ी प्योर होना चाहिए और उसमें मिनिमम जो MgO का कंटेंट है वो 20% होना चाहिए और कंबाइनली CaO प्लस MgO जो है वो मिनिमम 52% होना चाहिए। यदि इससे कम मैग्नीशियम कंटेंट और MgO प्लस CaO कंटेंट है तो उस डोलोमाइट का यूज़ हम लोग रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो लोअर इम्प्योरिटी डोलोमाइट जो होता है, जैसे कि लेस देन 52% होगा जिसमें CaO प्लस MgO, उसका यूज़ हम लोग स्टील एंड आयरन मेकिंग में करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में करते हैं। तो ये हमारा डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी के बारे में ओवरव्यू था। अब हम लोग ये जाने क्वालिटी वाइज डोलोमाइट रॉ मटेरियल को देखें और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें। तो जो 52% CaO प्लस MgO होता है उसका रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं विथ मिनिमम 20% MgO कंटेंट, और मिनिमम 50% जो CaO प्लस MgO होता है वो स्टील मेकिंग में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कन्वर्टर के अंदर, लेडल फर्नेस के अंदर चार्ज करते हैं डोलोमाइट एज ए फ्लक्स, तो 50% कंटेंट होगा तो उसको हम लोग स्टील मेकिंग में करते हैं, और आयरन मेकिंग में 46% CaO प्लस MgO होगा मिनिमम, तो इसका यूज़ हम लोग आयरन मेकिंग में ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करने के लिए करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है क्वालिटी वाइज डोलोमाइट का। अब रॉ मटेरियल एंड सोर्सेज की बात करें तो डोलोमाइट एक नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल्स है और डोलोमाइट्स में जो है 54.35% कैल्शियम कार्बोनेट होता है और 45.65% मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ये एक टिपिकल रेंज है, इसके डेविएट भी कर सकता है। अभी हम देखे लास्ट स्लाइड में कि 46% तक ये कैल्शियम ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है, 54.35% जनरली कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और 45.65% मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, और ऑक्साइड्स के फॉर्म में हम लोग देखें तो 30.4% कैल्शियम ऑक्साइड्स होता है और 21.7% मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होता है, प्लस जो है 47.9% CO2 होता है। जब हम लोग इसको हीट करते हैं डोलोमाइट को तो ये कैल्शियम ऑक्साइड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा रिसोर्स था, ये हमारा सोर्स था रॉ मटेरियल का, डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए इस डोलोमाइट रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें तो डोलोमाइट जो डबल कार्बोनेट होता है उसको हम लोग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है, और डीकम्पोज हो करके ये CaO.MgO प्लस CO2 बनाता है। ये कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर पर ही इसका कैल्सिनेशन हो जाता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कैल्सिनेशन हो करके ये हाईली पोरस बॉडी बनाता है जिसको कि हम लोग कैल्साइन डोलोमाइट या डोलोमा कहते हैं, इस कैल्साइन डोलोमाइट और डोलोमा को फर्दर हम लोग हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे डेड बर्निंग के लिए। जो डेड बर्निंग डोलोमाइट होता है उसमें 58% कैल्शियम ऑक्साइड्स होता है और
MgO होता है 42%। मेन पर्पस है हमारा डोलोमाइट को डेड बर्निंग करने का, कि इसमें जो भी जो है वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, और उस टेंडेंसी के कारण इसका भी वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा, वो हमको कम करना है। यदि वॉल्यूम एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये क्रैक जनरेशन कर देगा, या जो पूरा बॉडी बना हुआ है जो सॉलिड बॉडी है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यदि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का एक्सपांशन करेगा। अब ये एक प्रॉब्लम आता है जो कैल्शियम ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जो हैं होते हैं डोलोमाइट में, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में फ्री कैल्शियम ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो ये फ्री कैल्शियम ऑक्साइड्स डोलोमाइट में होता है, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम का एक्सपांशन होता है, और वॉल्यूम के एक्सपांशन के कारण जो जो ब्रिक्स है उसके अंदर क्रैक का फॉर्मेशन होता है, और ब्रिक्स को फाइनली ये पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस जो फ्री कैल्शियम ऑक्साइड्स हैं इसको हमको कैसे जो है किसी के साथ कोई नया फेज बना दे, तो ये हमारा पर्पस होता है रॉ मटेरियल को स्टेबलाइज करने का, जो फ्री कैल्शियम ऑक्साइड्स उस डोलोमाइट के अंदर नहीं रहे। तब हम लोग क्या करते हैं कि जो डोलोमाइट को जब हम डेड बर्न भी करते हैं तब भी यदि उसमें फ्री कैल्शियम ऑक्साइड्स है तो वो हाइड्रेशन पैदा करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डेड बर्न करने के पहले या कैल्सिनेशन करने के पहले उसमें कुछ अमाउंट में सिलिका को मिलाते हैं। जब सिलिका मिलाएंगे तो क्या करेगा, ये फ्री कैल्शियम ऑक्साइड जो है सिलिका के साथ मिल करके ये कैल्शियम सिलिकेट फेज बनाएगा। हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड्स प्लस सिलिका मिलके C3S फेज बनाता है, और ये फेज यदि बना देता है तो हाइड्रेशन का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कोई फ्री कैल्शियम ऑक्साइड्स नहीं है तो हाइड्रेशन भी हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्री कैल्शियम ऑक्साइड को नए फेज में किसी और फेज में कैल्शियम सिलिकेट के फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोसेस को जब हम लोग सिलिका मिलाए और हीट किए, इस तरीके प्रोसेस को हम लोग स्टेबलाइजेशन ऑफ डोलोमाइट कहते हैं। और जो मटेरियल हमारा स्टेबलाइजेशन के बाद बनता है इसको हम लोग स्टेबलाइज डोलोमाइट कहते हैं। जो फाइनली हमारा डेड बर्निंग के बाद जब हम लोग उसमें सिलिका ऐड किए, कैल्सिनेशन किए, डेड बर्निंग किए, तो जो मटेरियल बना उसको हम लोग स्टेबलाइज डोलोमाइट कहते हैं। और ये प्रोसेस जो कहलाता है स्टेबलाइजेशन कहलाता है, डोलोमाइट का स्टेबलाइजेशन। जो कैल्सिनेशन और डेड बर्निंग डोलोमाइट का करते हैं कंटेनिंग स्टेबलाइजर जैसे कि सिलिका, इसका कैल्सिनेशन हम लोग रोटरी क्लीन या सॉफ्ट क्लीन में करते हैं। उसका जो प्रोडक्ट निकलता है उस प्रोडक्ट को अब हम लोग क्रश करके, ग्राइंड करके, अलग अलग साइलों में स्टोर करके, अगेन बैच कार से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके फिर मिक्स करके ब्रिक्स को बना सकते हैं। बनाने के बाद फिर सेम प्रोसेस होगा, ड्राइंग करेंगे, फायरिंग करेंगे और फाइनली इंस्पेक्शन करके डिस्पैच कर देंगे। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसके रॉ मटेरियल को प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में हम लोग देखें कि इसको स्टेबलाइज करना होता है, डेड बर करना होता है, तो इस वजह से ये रिफ्रैक्टरी कंपेयर टू मैग्नेसाइट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन एरिया की बात करेंगे तो डोलोमाइट का रिफ्रैक्टरी का यूज हम लोग लेडल रिफाइनिंग फर्नेस के लिए करते हैं, इसके बैकअप लाइनिंग में, कन्वर्टर में करते हैं, स्टील लेडल में करते हैं, और बर्निंग जोन ऑफ सीमेंट रोटरी क्लीन में करते हैं। ये सारे देखिए बेसिक नेचर के इन्वायरमेंट इस फर्नेस के अंदर होते हैं। सीमेंट रोटरी क्लीन बेसिक नेचर का रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड्स। स्टील लेडल में बेसिक इन्वायरमेंट होता है, कन्वर्टर में बेसिक इन्वायरमेंट होता है, और लेडल रिफाइनिंग फर्नेस में भी बेसिक इन्वायरमेंट होता है। इसके बाद भी हम लोग वैक्यूम डिगैसिंग फर्नेस में कर सकते हैं, आर्गन डिगैसिंग फर्नेस में कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ बेसिक इन्वायरमेंट और बेसिक एटमोसफेयर होगा वहाँ वहाँ हम लोग डोलोमाइट रिफ्रैक्टरी का यूज कर सकते हैं।
थैंक यू।